हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको ये कॉर्न स्टाइल पेड़े बनाना बताऊंगी। ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। इसमें कोई भी हमको झंझट नहीं करना पड़ता है। तो आइए, इसके लिए हम 100 ग्राम खोया लेंगे, 50 ग्राम पिसी चीनी और घी, देसी घी, और ये येलो फूड कलर और ग्रीन फूड कलर, और ये मैंने पिसी इलायची ली है। तो सबसे पहले हम खोया को थोड़ा सा भून लेंगे। इसको हम बस 2-3 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा हमको इसका कलर नहीं चेंज नहीं भूना है। देखिए, इसका कलर नहीं चेंज हुआ है, ज़्यादा इसको नहीं भूना है। खोए को हम एकदम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डाल लेंगे और ये इलायची पाउडर डाल लेंगे। ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम स्मूथ इसको बना लेंगे। अगर हम गरम खोया में चीनी मिलाते तो खोया मेल्ट हो जाता, इसलिए हम खोए को एकदम ठंडा करके ही मिलाएंगे। स्मूथ कर लिया, अब हम इसका थोड़ा सा हिस्सा अलग कर देंगे और इसमें हम जो ज़्यादा वाला है उसमें हम येलो फूड कलर मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इस वाले में ग्रीन फूड कलर मिला के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा हाथों में घी लगा के और येलो वाला पार्ट लेंगे इतना, और इसको गोल करके ऐसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे जैसे भुट्टा होता है, इस ऐसे भुट्टे का शेप देके, और इसको ऐसे नाइफ से या टूथपिक से किसी भी चीज़ से ऐसे ऐसे पहले लाइन बना लेंगे, फिर इधर से हम ये जैसे दाने होते हैं भुट्टे के उस तरह से ये सारा कर देंगे। ऐसे इसी तरह से हम सारे बना लेंगे येलो वाले। अब हम थोड़ा सा ग्रीन का पार्ट लेके ऐसे थोड़ा लंबा कर लेंगे और इसकी ऐसे हमको पत्ती का शेप देना है। इसको ऐसे अच्छे से ऐसे ये देखिए इस तरह से पहले लंबा करके फिर दोनों साइड से ऐसे पत्ती का शेप दे देंगे, और फिर इसमें हम इस तरह से ऐसे लगा देंगे और थोड़ा सा ऐसे एक पत्ती का और इधर भी ऐसे लगा देंगे। तो ये देखिए भुट्टा बन गया है। अब हम इसमें यहाँ पे एक ऐसे लॉन्ग लगा देंगे जिससे ये इसमें फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए, ये कॉर्न पेड़े बनकर तैयार हैं। देखिए, लग रहा है ना एकदम भुट्टे की तरह से। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। Thank you for watching video.